हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले विंडोज़ 10 लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आप कैसे गेम को खेल सकते हैं बिना किसी ईमेल आईडी को रजिस्टर किए हुए फ्री में। सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हमें स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद राइट हैंड साइड में विंडोज़ स्टोर करके एक एप्लीकेशन रहेगा, ऐप रहेगा, उसमें हमें क्लिक करना है, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप या डेस्कटॉप में, ठीक है। वहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड में गेम करके ऑप्शन रहेगा, होम रहेगा, ऐप्स रहेगा, गेम्स है, तो गेम्स वाले ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में थर्ड नंबर का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जैसे आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वहाँ पे आपको गेम से रिलेटेड सब टॉपिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज, अगर यहाँ पे जिन भी गेम्स के नीचे फ्री लिखा है वो आप फ्री में इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में गेम आसानी के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आपने गेम पास वाला ऑप्शन चूज़ किया तो वो परचेस करने के लिए बोलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको गेम पास ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री वाला गेम बहुत सारा अवेलेबल है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज जो गेम चूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फिशडम। तो आज हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, गेट पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्पीड के ऊपर, उस हिसाब से वो डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल ऑटोमेटिक होगा, इंस्टॉल होने के बाद वो प्ले का ऑप्शन आता है। अगर हम फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं तो वहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसके अगले दिन या उसके बाद वाले दिन में हमें सेम गेम को प्ले करना है तो सिंपल है, जब आप स्टार्ट करेंगे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप तो आपको स्टार्ट में जाना है, रीसेंट आइटम में आपका गेम दिखेगा। अगर रीसेंट आइटम में नहीं भी दिख रहा है तो आपको वहाँ पर सर्च करना रहेगा फिशडम या जो भी गेम आप वहाँ पर चूज़ करोगे या डाउनलोड करके आपने रखा है, गेम को सर्च करना है, सिंगल क्लिक करना है। इंटरनेट से आप उसके बाद कनेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वन टाइम आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है जब आप डाउनलोड कर रहे हो। एक बार फुल फीचर्स डाउनलोड होने के बाद फिर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके फुल फीचर्स फ्री में, जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते स्टेज, इसके जितने भी स्टेजेस होंगे तब तक आप फ्री में इसको प्ले कर सकते हैं। तो गाइज़, ये विंडोज़ 10 के हर एक लैपटॉप, हर एक डेस्कटॉप में अवेलेबल है। अगर आपका लाइसेंस विंडोज़ है, जेन्युइन विंडोज़ है या एक्टिवेटेड विंडोज़ है तो आप खेल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल प्ले पे क्लिक करना है। और गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेम काफ़ी मज़ेदार है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है। प्लीज़ सपोर्ट करें हमें और गेम का मज़ा लें, इंजॉय करें। तो आई होप मैंने जो बताने और समझाने और दिखाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आए और गेम का मज़ा लें। थैंक यू सो मच गाइज।
Thank you.
Thank you.